डॉक्टर हम स्टूडेंट देखिए बीएससी जो सेकंड सेमेस्टर है उसमें आपका कार्बोहाइड्रेट है, उसका लिपिड है। देखिए लिपिड जो होता है ये भी आपको है, तो आपको ऑब्जेक्टिव पेपर पर आपको थोड़ा थ्योरी जानना जरूरी है, तभी आप उसको क्या कर पाएंगे, पूरा एक्सप्लेनिंग कर पाएंगे। ऑब्जेक्टिव जो होता है उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। लिपिड जो होते हैं ये क्या होता है, ग्रीक भाषा के शब्द से लिया गया जिसका अर्थ होता है लाइपोज, ठीक है। लिपिड जो होते हैं ये फैट और क्या होते हैं व्युत्पन्न कहलाते हैं, ठीक है। लिपिड जो होते हैं कंपाउंड कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के, अनलाइक कार्बोहाइड्रेट हाइड्रोजन देन ऑक्सीजन इज नॉट बॉन्डेड, यानी 2:1 होता है इसमें, ठीक है। ये हो गया, तो आपको एक चीज मालूम होना चाहिए कि किसके व्युत्पन्न कहलाते हैं, वसा के व्युत्पन्न कहलाते हैं लिपिड, ठीक है। इसके बाद आप देखोगे कि लिपिड जो होता है इसे क्या पाया जाता है, C=OH। कभी पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि लिपिड में क्या कौन सा, तो C=OH यानी कार्बोक्सिलिक समूह भी इसमें प्रेजेंट होता है लिपिड में, ठीक है, एक ऑब्जेक्टिव बन जाता है, ठीक है। इसके बाद आपको पूछता है इसकी सबसे लंबी जो श्रृंखला जो होती है कौन सी होती है लिपिड की, तो सबसे ज़्यादा लंबी 12 से 13 कार्बन की एटम, 12 से 13 कार्बन जो होते हैं इनकी सबसे लंबी क्या होती है लेंथ वाली क्या पाई जाती है, एक श्रृंखला पाई जाती है, ऑब्जेक्टिव में ऐसा बन सकता है। देखिए कितने प्रकार के होते हैं, तो लिपिड जो होती है जिन्हें हम वसी अम्ल व्युत्पन्न भी कहा जाता है या वसी अम्ल कहा जाता है, ये 2 प्रकार के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, यानी संतृप्त और असंतृप्त। तो आपका एक ऑब्जेक्टिव बन जाता है कि लिपिड या वसी अम्ल जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, तो लिपिड या वसा अम्ल जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, यानी व्युत्पन्न और अव्युत्पन्न 2 प्रकार के होते हैं। ये हो गया, अब आप देखोगे कि जो सैचुरेटेड जो होता है इनमें क्या होती है कि सिंगल बंध पाए जाते हैं, जो सैचुरेटेड संतृप्त जो होता है इनमें हमेशा सिंगल बंध या एक बंध पाया जाता है, साथ इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में और C=OH ग्रुप भी पाया जाता है, कार्बन हाइड्रोजन भी सिंगल बंध पाया जाता है और C=OH का ग्रुप भी पाया जाता है, ठीक है। इसमें पाल्मेटिक एसिड, पाल्मेटिक एसिड जो होता है इसका सूत्र होगा देखिए कार्बन 16 का, पाल्मेटिक एसिड जो होता है देखिए पाल्मेटिक एसिड जो होता है इसमें कार्बन 16 मतलब कितनी कार्बन की 16 कार्बन पाए जाते हैं, ठीक है। इसका सूत्र क्या होगा, C=OH पाल्मेटिक एसिड का सूत्र अगर पूछ सकता है C=OH CH2 CH2 4 CH2 हो गया 4 then CH3 CH3, ये किसका सूत्र हो गया, पाल्मेटिक एसिड जो होता है इसका सूत्र हो जाता है, ठीक है। तो ये सैचुरेटेड हो गया, अनसैचुरेटेड क्या असंतृप्त वसा वाले कहलाते हैं, इसमें हमेशा डबल बॉन्ड होता है। पेपर में कभी पूछ सकता है कि सिंगल बंध किसमें पाया जाता है, तो सिंगल बंध पाया जाता है जो संतृप्त वसा जो होती है उसमें सिंगल बंद, और जो असंतृप्त वसा होती है उनमें क्या पाया जाता है, डबल बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है। ये हो गया, देन इसमें आप चीज देखोगे कि इसमें ओलिक एसिड, ओलिक एसिड में 1 डबल बॉन्ड पाया जाता है, इसका उदाहरण क्या है, असंतृप्त वसा का अगर पूछता है उदाहरण तो आप क्या लिखेंगे, ओलिक एसिड इसका उदाहरण कहलाता है। ओलिक एसिड सूत्र क्या हो जाएगा इसका, देखिए CH3CH2CH, सी डबल बॉन्ड CH और फिर क्या हो जाएगा CH2COH, याद रखना COH इसमें पाया ही जाता है क्योंकि वसी अम्ल या कार्बोक्सिलिक अम्ल जुड़ा हुआ रहता है। देखिए क्लासिफिकेशन जो होता है, तो वर्गीकरण के आधार पर यह साधारण वसा, कंपाउंड संयुक्त वसा और व्युत्पन्न वसा 3 प्रकार की होती है। कभी एग्जाम ऑब्जेक्टिव में ये पूछ सकता है कि वसा कितने प्रकार की या लिपिड कितने प्रकार का होता है, तो 3 प्रकार का लिपिड होता है। पहला हो गया सिंपल लिपिड, कंपाउंड लिपिड और डाइवर्ट लिपिड। सिंपल लिपिड यानी साधारण वसा, साधारण वसा के अंतर्गत क्या आती है, प्राकृतिक और बैक्स, प्राकृतिक यानी प्राकृतिक जो मोम वगैरह पाई जाती है, प्राकृतिक वसाएँ पाई जाती हैं, गाय भैंस मिल्क के दूध, जो गाय भैंस जो होती है उसके दूध में जो वसा पाई जाती है, चमड़ी में जो वसा, चमड़े में भी कुछ फैट पाया जाता है, ठीक है, तो इसके अंतर्गत तो आ जाता है। दूसरा जो होता है वैक्स जो होता है मोम जो होती है ये भी वसा के अंतर्गत आती है। मोम जो होती है 14 से 36 कार्बन की श्रृंखला इसमें पाई जाती है, याद रखना 14 से 36 जो कार्बन की श्रृंखला पाई जाती है वैक्स में पाई जाती है। वैक्स जो होता है ये इसमें एक मेन या कंटेन क्या होता है कि ये मोम, इसका एक चीज पाल्मेटिक एसिड और मिल्कल एल्कोहल, पाल्मेटिक एसिड और मिल्कल एल्कोहल भी वसा के नाम से जाना जाता है। मिल्कल एल्कोहल का सूत्र होता है C30H61OH, याद रखना C30H61OH जो होता है मिल्कल एल्कोहल, मिल्कल जो एल्कोहल जो होता है उसका फार्मूला होता है, तो याद रखना मिल्कल एल्कोहल जो होता है MERICYAL,
एम ई आर सी वाई जो होता है ये बैक्स के अंतर्गत आता है और इसका ये फार्मूला कहलाता है। तो ये भी किसके अंतर्गत आता है, लिपिड या वसा के अंतर्गत आता है। ये हो गया ठीक है, एक ऑब्जेक्टिव आपका ये तैयार हो गया। अब देखते हैं कि जो आपको ये भी मालूम है कि मोम जो होती है, कुछ जो हनी बी जो होता है जिसका हैप होता है, हैप जो छत्ता होता है वो भी एक बैक्स का बना हुआ था, उसके अकॉर्डिंग भी बैक्स प्राप्त होती है ठीक है। कुछ के जो हनी बी के कहाँ पे और वो एब्डोमिनल ग्लैंड जो होती है उनमें ये बैक्स सिक्रेशन होती है, जो वर्कर जो होती है उनके मुँह से ठीक है। इसके बाद होता है संयुक्त कंजुगेटेड लिपिड कंजुगेटेड। संयुक्त का मतलब होता है कि दो से मिलकर बनी हुई होती है। इसमें ये दो प्रकार की होती है, कंजुगेटेड या कंपाउंड लिपिड दो प्रकार की होती है, फॉस्फोलिपिड और ग्लाइकोलिपिड। याद रखना कंपाउंड लिपिड जो होता है कंजुगेटेड लिपिड दो प्रकार का होता है, पहला होता है कौन सा फॉस्फोलिपिड और दूसरा होता है ग्लाइकोलिपिड। क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर है तो ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग ये आपको समझना जरूरी है कि ये दो प्रकार का होता है। इसके बाद आप देखेंगे कि व्युत्पन्न लिपिड या डाइवर्ट व्युत्पन्न लिपिड जो होता है, देखिए व्युत्पन्न लिपिड जो कहलाते हैं ये मेटाबोलिज्म उपापचयी क्रियाओं में भाग लेता है। ये पता क्या होता है, मेटाबोलिज्म उपापचयी क्रियाओं में भाग लेता है, इसलिए अपन इसको क्या कहते हैं व्युत्पन्न या डाइवर्ट लिपिड भी कहते हैं ठीक है। अब देखिए बायोलॉजिकल सिग्निफिकेशन हम लिपिड, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि इनका कुछ महत्व जो होता है जैविक महत्व क्या है, तो सबसे पहले ऊर्जा का स्रोत होता है लिपिड या वसा जो होता है, एनर्जी का मेन स्रोत होता है। दूसरा होता है एज अ फूड, भोजन के रूप में भी अपन लिपिड का उपयोग करते हैं भोजन। तो देखोगे कि आप जो इसका यूज है सिग्निफिकेशन लिपिड जो होता है इसका उपयोग भी है। देखो ऑब्जेक्टिव पेपर में भी आपको इसके उपयोग के बारे में जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है कि बायोलॉजिकल सिग्निफिकेशन ऑफ लिपिड क्या होता है। तो लिपिड का जो उपयोग जो होता है एनर्जी ऊर्जा के स्रोत के रूप में लिपिड का उपयोग होता है। दूसरा जो तो फूड या खाने के रूप में भी लिपिड को वसा को किसी न किसी रूप में भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, जैसे कि दूध में पाई जाती है, घी में पाई जाती है ठीक है, साथ ही बीजों में कुछ पाई जाती है ठीक है। साथ ही इसमें क्या कहलाता है कि ये बॉडी को क्या करते हैं प्रोटेक्शन करने का काम भी ये करते हैं। त्वचा में एक परत के रूप में जाते हैं जिससे अपन को हीट से बचाते हैं ठीक है, जलने से बचाते हैं ठीक है, ये कहला गया। इसके बाद क्या होता है कि सॉल्वेंट के रूप में जो लिपिड जो होते हैं, कभी ऑब्जेक्टिव पूछता है कि सॉल्वेंट के रूप में क्यों काम करता है, बिकॉज ऑफ क्योंकि विटामिन ए डी ई को घोलने का काम कौन करता है, वसा में घुलनशील, इसलिए विटामिन को घोलने का काम करता है ठीक है। साथ ही क्या कहलाते हैं कि ब्लड प्रेशर लिपिड मेटाबॉलिज्म के अकॉर्डिंग इसको कंट्रोल करने का काम भी करता है। इंसुलेटर जैसे कि आप जानते हैं त्वचा के ऊपर एक सुरक्षा परत का आवरण वसा या फैट के द्वारा ही जमता है ठीक है। ये क्यों हो गया लिपिड के बायोलॉजिकल यूजेज हो गए जो कि आपको मैं बता रही हूँ। तो ये आपको जानना जरूरी है, जैसे कभी क्वेश्चन पूछ सकता है एक आधे से ऑब्जेक्टिव में आ जाए आपको कि कोलेस्ट्रॉल इज द प्रेशर ऑफ ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल इज द प्रेशर ऑफ, तो प्रेशर जो कोलेस्ट्रॉल जो होता है तो ये जो प्रेशर जो होता है तो इसमें जो प्रेशर जो होता है वो किस विटामिन के कारण होता है, तो विटामिन बी एंड सी ऐसे पूछ सकता है। फॉस्फोलिपिड जो होता है कंटेन किससे मिलके बना हुआ होता है, तो फॉस्फोलिपिड जो होता है हाइड्रोलिपिड और मतलब हाइड्रोफोलिक और हिड्रोफोलिक। याद रखना जो फॉस्फोलिपिड जो होता है उसमें दो भाग होते हैं, एक सिर वाला टेल वाला, हाइड्रो और हाइपो, एक स्नेही होता है द्रव्य और एक विरोधी होता है, ये हो गया ठीक है। यूकैरियोटिक जो होती है उसमें फैटी एसिड जो होता है ब्रेक डाउन या अक्रेस जब होता है तो कैसे प्राप्त होता है, यूकैरियोटिक जो होते हैं इसमें किससे माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में फैटी एसिड पाए जाते हैं। याद रखना माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में फैटी एसिड पाए जाते हैं, तो क्वेश्चन ये भी आपका बन सकता है ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग। देन इसके बाद बन सकता है एस्टर लिंक की एक अक्रेस, जो एस्टर जो होते हैं वहाँ कहाँ प्राप्त होते हैं, तो एस्टर जो होते हैं लिपिड से प्राप्त होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव ये बन सकता है। स्टूडेंट थैंक यू, ये आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा बिकॉज ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है।